अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे टेडी बियर डॉर्फ रैबिट के बारे में। टेडी बियर डॉर्फ जो है ये एक ब्रीड है रैबिट्स में, तो इसके थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे आज ये कौन सी ब्रीड है और ये कब डेवलप हुई वगैरह वगैरह। टेडी बियर डॉर्फ इसे इसका असल नाम तो टेडी डॉर्फ है, जो ज़्यादातर जिस नाम से जाना जाता है उसको टेडी डॉर्फ रैबिट कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस नाम से मशहूर हो गया, टेडी बियर डॉर्फ के नाम से मशहूर हो गया है। तो ये जो टेडी डॉर्फ है ये बेसिकली लायन हेड और अंगोरा रैबिट का क्रॉस है। लायन हेड रैबिट, चूँकि लायन हेड रैबिट वो होता है जिसके फेस पे वूल होती है और बैक पे नहीं होती, जिस तरह अभी आपको स्क्रीन पे पिक्चर भी शो हो रही होगी लायन हेड रैबिट की, तो ये लायन हेड रैबिट है। इसी तरह फिर इसको लायन हेड को क्रॉस कराया गया अंगोरा रैबिट से। अब अंगोरा रैबिट की जो है पूरी बॉडी पे थ्रू आउट प्लेन फर होती है, इस तरह ये फ्रेंच अंगोरा है तो इसकी थ्रू आउट प्लेन फर होती है, तो इसको क्रॉस कराया गया लायन हेड से, क्योंकि लायन हेड जो होता है वो डार्क साइज का होता है, छोटे साइज का। अब लायन हेड को अंगोरा से क्रॉस कराया गया, अंगोरा वाली इसमें यह खसूसियत आई कि इसकी पूरी बॉडी पर फर होगी जिस तरह अंगोरा पर होती है, और फेस पर ज़्यादा वूल होगी जिस तरह लायन हेड पर होती है, और उसका साइज़ भी छोटा हो गया जिस तरह लायन हेड का छोटा होता है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ऐसे ही होता है कि दो डिफरेंट ब्रीड्स की जो खसूसियात हैं वो एक ब्रीड में आ जाती हैं, इसीलिए इनको सिलेक्टिवली ब्रीड करवाया जाता है। तो इसको जो मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह से बनाया गया था, ये जो है तकरीबन 2009 के राउंड 2009 में बनाई गई थी जर्मनी में, ये ब्रीड बनाई थी उन्होंने क्रॉस करवा के। लेकिन ये जो ब्रीड है ये अरबा या ब्रिटिश रैबिट काउंसिल BRC है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वैसे क्यों, क्योंकि उनकी जो अपनी ब्रीड्स हैं जो प्योर ब्रीड्स मानी जाती हैं उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ इन जो क्लब्स सॉरी एसोसिएशन मैंने आपको बताई हैं, तो लेकिन इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि ये उस तरह से अभी ब्रीड एग्जिस्ट उस तरह से ब्रीड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मे भी हो सकता है फ्यूचर में इसको रिकॉग्नाइज कर ले, क्योंकि बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको अरबा ने अभी कुछ फ्यूचर में आके और पीछे कुछ टाइम पहले आके जो है उनको रिकॉग्नाइज किया, पहले वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो ये मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ इसके बारे में। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ में इसके साथ थोड़ी सी इसे रिलेटेड है, लायन अंगोरा रैबिट। लायन अंगोरा भी आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो लायन अंगोरा है वो भी बेसिकली अंगोरा, जो सिंपल अंगोरा जाइंट अंगोरा जिसको पाकिस्तान में बोला जाता है, जाइंट अंगोरा वो वाला नहीं जो स्टैंडर्ड वाला है प्योर, जो पाकिस्तान में जाइंट अंगोरा जिसको बोला जाता है उसका और लायन हेड का क्रॉस है। और लायन हेड भी प्योर वाला है, वो डार्क वाला लायन हेड नहीं, पाकिस्तान में दूसरे लायन हेड भी हैं जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, हालांकि लायन हेड जो प्योर है वो डार्क साइज़ का होता है। पर जो पाकिस्तानी लायन हेड और जाइंट अंगोरा उनको क्रॉस करा के जो ब्रीड आती है उसको लायन अंगोरा बोलते हैं। अब उसमें वो भी काफ़ी लंबा टॉपिक है कि जब आप उसको लायन हेड को जाइंट अंगोरा से लगाते हैं तो कितने बच्चे कौन से आते हैं, कितने बच्चे कौन से आते हैं वगैरह वगैरह, वो भी एक लंबा काफ़ी टॉपिक है। पर लायन अंगोरा भी इसी तरह की चीज़ है, लेकिन उनमें इस पर फ़र्क ये है कि ये प्रॉपरली ब्रीडर्स ने बनाया है, इसको छोटे साइज का है, खूबसूरत चीज़ है, और इसका टेडी जो नाम पड़ा है ना टेडी डॉर्फ, टेडी इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जिस क्लब वालों ने इसको बनाया था उनका क्लब टेडी है, उसके उनका क्लब का नाम है टेडी, और ये जर्मनी में जो है बनाया गया 2009 में, इसरा मैंने पहले ही बताया 2009 में इसको बनाया गया। तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसके ऊपर, इसकी ब्रीड के ऊपर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपके साथ करूँ, शेयर करूँ, तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।